हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। तो काफ़ी चीज़ें आपने अब तक सुन ली होंगी इसके बारे में, सैमसंग M30S के बारे में। और ये वीडियो भी बड़ा रिक्वेस्टेड था कि आप हमें बताइए कि कौन कौन से डिफेक्ट्स हैं इसके अंदर, या आप कह सकते हैं खामियां हैं। वैसे तो खामियां इस पे ना के बराबर हैं, लेकिन फिर भी हर एक चीज़, हर एक फ़ोन परफेक्ट नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ आपको मिसिंग होता है और इसमें भी कुछ ना कुछ मिसिंग है। लेकिन वो चीज़ें नहीं है जिससे आपको ये आप कंक्लूड कर सकें कि ये जो फ़ोन है ये अच्छा नहीं है या इसको नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं M30S, एक दो जो कमियां मैंने नोटिस की हैं, ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते हो चुके हैं इसको यूज़ करते हुए, तो पूरा निचोड़ निकाल चुका हूँ मैं। काफ़ी मेरे वीडियोज़ इस पर जो अच्छे फीचर्स पर मैंने डाले हुए हैं, कार्ड्स के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। और अगर आप नए इस चैनल पर भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर हम लाते हैं ड्रोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और ड्रोन टेक में जो टेक है, टेक से रिलेटेड सारे मोबाइल फोन्स और जो कैमराज जो मैं खुद यूज़ करता हूं, तो उसके बारे में आपको नॉलेज देता हूं। क्योंकि आई लव टेक और मैं ऐसी चीज़ें लेता रहता हूं जो मेरे यूज़ के हिसाब से हैं, जो लेटेस्ट आती हैं, तो फिर उस पर मैं रिव्यूज़ वीडियो बनाता हूं, जैसे M30S पे मैंने बना रहा हूं। तो वैसे तो इस पे कोई कमी है नहीं, बताने से पहले मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर आपके मन में आया इसको लेने के लिए, मिड सेगमेंट में आपकी चॉइस है, तो मिड सेगमेंट में इससे अच्छा फ़ोन कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ जो पॉइंट्स उन्होंने मिस किए हैं, वो मिस होने का कारण यही है क्योंकि ये बजट सेक्शन में आता है फ़ोन। अगर ये बजट सेक्शन में ना होता तब डेफिनेटली आपको वो चीज़ें इसमें मिलती, फिर ये बजट में रहता ही नहीं, क्योंकि वो जो चीज़ें इसमें मिसिंग हैं वो डेफिनेटली उनमें जो लगाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं उनको, मतलब उसमें प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज़ हो जाती है फ़ोन की, अगर वो फीचर्स इसमें आ जाएं तो यही कारण है। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो पहला, इसमें आपको जो फीचर जो कि इसको बनाता है सस्ता और काफ़ी अच्छा फीचर होना चाहिए, वो होता है वाटर प्रूफिंग। दिस इज़ नॉट वाटर प्रूफ एट ऑल, बस फ्लैश का थोड़ा बहुत है, पर वो भी कंफर्म नहीं है, कोई भी इसमें रेटिंग नहीं दी गई। तो प्लीज़, अगर आपने ये फ़ोन लिया है तो इसको आपको बारिश पानी से बचा के रखना है। क्यों नहीं देगी? क्योंकि वो जो कोटिंग्स आती हैं, जैसे ये फुली इमर्सिबल है इन्वर्टर में, दिस आईफोन एक्सेस, तो इसकी जो कोटिंग्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जब प्रोडक्शन होती है तो काफ़ी कॉस्ट हाई हो जाता है फ़ोन का। तो उस प्रोडक्शन कॉस्ट को निकालने के लिए, जिस प्रोडक्शन मतलब जिस कॉस्ट पर ये मिल रहा है, तो वो उनको लॉस, दे आर ऑन लॉस इन दैट सेंस। तो उस हिसाब से इसमें आपको बेसिकली वाटर प्रूफिंग ऐसी रेटिंग नहीं दी गई है कि आप इसको लेके स्विमिंग पूल में चले जाएं या पूरा इमर्स कर दें, तो वो आपको इसमें नहीं मिलने वाला। तो ये है इसका पहला खामी। दूसरा, इसकी जो खामी काफ़ी लोग निकाल रहे हैं, बट एक्चुअल में वो खामी नहीं है, वो एक मतलब इस सेक्शन में वो है, कैमराज के ऊपर आ रहा हूँ मैं। कैमराज में इसका जो सेल्फी कैमरा है, लोग कह रहे हैं वो अच्छा नहीं है, इतना परफॉर्मेंस आपको अच्छा नहीं प्रोवाइड कर रहा, पर मैं आपको कहूँगा कि वो कैमरा इतना बुरा भी नहीं है। बट अगर आप इसको हाई एंड कैमराज से कंपेयर करेंगे, तब आपको लग सकता है लो लाइट की सिचुएशन में ये थोड़ा सा ग्रेनी हो जाता है, और उसकी वजह से लोग इसको कह रहे हैं कि कैमरा अच्छा नहीं है। बट एज ए टेक एक्सपर्ट कह सकते हैं, और काफ़ी मैंने मोबाइल कैमराज और उसमें देखा है, इवन आईफोन एक्सेस भी अगर लो लाइट की परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो वो क्योंकि लो लाइटिंग में काफ़ी कैमराज परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो लो लाइट्स को छोड़ के, जहाँ पर लाइटिंग सिचुएशन में प्रॉब्लम है, उसके अलावा कैमराज अच्छे हैं। बट वही बात आ जाती है, अब इस बजट सेगमेंट में आपको कितना वो आपको दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आप लो लाइट में आपको थोड़ा लगेगा ग्रेनी, और वीडियो क्वालिटी ऑन फ्रंट कैमरा इज़ आल्सो नॉट सो गुड एज कम्पेयर टू पीछे, तो आपको 4K मिल रहा है पूरा। तो उस हिसाब से पर बजट सेक्शन में आता है तो वो जस्टिफाइड है। तो ये इसका हो गया दूसरा पीछे। तीसरा, आप कह रहे हैं कि इसमें प्लास्टिक की बॉडी है, तो ड्यूरेबिलिटी इज़ देयर, आप ड्यूरेबिलिटी पे शक मत करें, बट इस ग्लास बॉडी होने से क्या होता है, आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, तो वो आपको नहीं मिल रही है इसमें, नंबर एक। नंबर दो, जो ये टक टक वाली कुछ साउंड्स, वो काफ़ी लोग अराइज कर रहे हैं, वो मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ कि वो प्लास्टिक का एक है, तो प्लास्टिक का ये फीचर होता है, तो हो सकता है टक टक की साउंड आए, तो उसमें वो मतलब ये फीचर को मैं मानूंगा नहीं, बट काफ़ी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से मैं बता रहा हूँ। पर
कमी ये है कि इसमें ग्लास की बॉडी नहीं है, क्योंकि आजकल जो फोन्स आ रहे हैं उसमें पीछे ग्लास पैनल मिलता है आपको, जिससे वायरलेस चार्जिंग हो जाती है और थोड़ा लुक्स वाइज और थोड़ा ड्यूरेबिलिटी उसमें आपको लगता है, बट वो कांच की बॉडी का नुकसान भी है, वो टूट भी जल्दी सकता है। ठीक है, तो इस फीचर को मैंने रख लिया क्योंकि काफ़ी रिपोर्टिंग हो रही थी टक टक की एंड उसकी, तो वो सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो नेगेटिव पॉइंट्स में आता है कि आप इसको वायरलेसली चार्ज नहीं कर सकते, दैट इज़ दैट, क्योंकि आजकल काफ़ी फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग आ रही है, तो उस हिसाब से इस एरा में इस फ़ोन में वायरलेस चार्जिंग नहीं है, तो वो थोड़ा मैं नेगेटिव पॉइंट में डाल रहा हूँ, क्योंकि आई लाइक टेक अगर इसमें होते पर वो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, तो ये आपके लिए डील ब्रेकर बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं इसकी साउंड के ऊपर, साउंड के बारे में मैंने वीडियो बनाया कि इसमें डॉल्बी एटमस का एनकोडर लगा हुआ है, तो वो तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, वो हाई एंड फोन्स में मिलता है, इवन आईफोन एक्सेस में भी आपको डॉल्बी एटमस इसमें नहीं है, आप जो 11 प्रो आया है शायद उसमें है आई थिंक, तो उसका तो इशू ख़त्म हो गया, हेडफोन्स में बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका स्पीकर फोन का इशू है, उस पर आपको ओके टाइप से आवाज़ आएगी, आप अगर कहें कि म्यूज़िक सुन लें इस पर, नहीं दैट इज़ नो, तो क्योंकि सिर्फ एक ही स्पीकर दिया गया, वो भी इतना लाउड नहीं है, नॉर्मल टाइप से है, तो यू कैन नॉट गेट दैट एक्सटेंट ऑफ यू नो आउटपुट फ्रॉम दिस। सो यही 4-5 फीचर हैं जो कि इसमें लिख सकते हैं आप नेगेटिव हैं, बट वो आपको इम्पैक्ट नहीं करते हैं एट ऑल टू बाय दिस फोन। एट द एंड मैं यही कहूँगा, इट इज़ द बेस्ट इन दिस सेगमेंट एंड यू बेस्ट बाय दिस। होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, और भी कोई आपका अगर पॉइंट रह गया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर मैं रोशनी अगले वीडियोज़ में डालूंगा। नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी लोग कह रहे हैं इसका अब कनेक्टिविटी बता, इंटरनेट कनेक्टिविटी वगैरह का वीडियो डेमो दें अगर आप चाहते हैं, और भी कोई चीज़ आप चाहते हैं इसके बारे में, आपको प्रॉब्लम हो रही है डिसाइड करने में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली बनेगा। एंड दिस एपिसोड वॉज ब्रॉट यू बाई garymadam.com, उस पर सब कुछ आपको ब्लॉग्स मिलते हैं टेक्स रिलेटेड लिखित फॉर्म में, तो आप जरूर इफ इंटरेस्टेड गो देयर, थैंक यू, डू विजिट, लिंक इज एट द एंड स्क्रीन, थैंक यू वेरी मच, जय माता दी।